आज अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ रौनक सी लग रही है अभी। आई डोंट नो कितनी ये रौनक टिकेगी, लेकिन जो भी हमने डेज सरपास किए हैं उसके कंपैरिजन में आज थोड़ा ऑफकोर्स एक रेंज बाउंड हमने सुबह के सेशन में देखा, लेकिन अभी देखें तो डेज के ऑल टाइम हाई पे जाके मार्केट वापस नीचे सेटल डाउन होता दिख रहा है। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप, क्या आज मार्केट्स को क्या एक पॉजिटिव पॉइंट मिला है कि इतना थोड़ा अच्छे मूड में है आज? नहीं, वो कुछ नहीं, रात को फेड की बैठक हो गई इन्फ्लेशन के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो मार्केट सोच रही है कि थोड़ी नमी आएगी डेटा में, तो फेड अपना क्यूटी का प्रोग्राम स्लो डाउन करेगी, इंटरेस्ट रेट का प्रोग्राम स्लो डाउन करेगी। तो ये उम्मीद के लिए मार्केट आज बाउंस में है। देखते हैं शाम को डेटा कैसी आती है यूएस में और क्या आपको फेड की रिएक्शन है। तो ये मैं कुछ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट टर्म ही अप्रोच चाहिए। ठीक है, ऑफकोर्स। साथ में अगर हम देखें तो हमें डोमेस्टिकली भी एक सीपीआई के नंबर्स आते हुए दिखे और साथ में आज डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आते दिखे। सीपीआई में ऑफकोर्स थोड़ी नेगेटिविटी है, लेकिन डब्ल्यूपीआई में ऑफकोर्स एक सुधार आया है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन आप डोमेस्टिकली अभी कैसे देख रहे हैं? मेरे को कोई खास वरी करने की वजह नहीं है इन्फ्लेशन के डेटा। सीपीआई की डेटा थोड़ी अपनी वेजिटेबल और फूड ग्रेन प्राइसेस के ऊपर बढ़ी थी, मगर ओवरऑल आप देखें तो रबी का सोइंग अच्छा है, खरीफ का क्रॉप अच्छा था, तो रूरल साइड में जरूर आपको सप्लाई फूड ग्रेन्स का ज्यादा दिखेगा। सेकंड, तेल के दाम के ऊपर भी आरबीआई ने अपने फोरकास्ट में $70 पर बैरल ही लिखा लिया है इस साल के वाले, लास्ट ईयर $95 पर बैरल था। तो ये मैं समझता हूँ कि तेल का दाम हमारे इम्पोर्टेड 83% हम इम्पोर्ट करते हैं, तो इन्फ्लेशन के ऊपर, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के तौर पर तेल का दाम आके इम्पैक्ट करता है। उसमें मैं देख रहा हूँ थोड़ी नमी आ सकती है, क्योंकि अभी जो विंटर का जो वक्त है अमेरिका और यूरोप में, उसके कारण हीटिंग की डिमांड तेल के लिए बहुत है। मगर जैसे ही आप मार्च अप्रैल में आएंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत डिमांड घटेगा तेल के लिए, और उस हिसाब से मैं तेल के दाम बढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ। शायद आरबीआई का जो एवरेज प्राइस ऑफ 70 लिया है उसके आसपास भी आ सकता है, तो खबर अच्छी है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इन्फ्लेशन के लिए मेरे को ज्यादा डर नहीं है। जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था अपने पॉलिसी में 5.3%, मैं समझता हूँ ओवरऑल फुल ईयर इन्फ्लेशन उसी हिसाब से आएगा। और मोर और लेस हमने देखा है कि क्रूड प्राइसेस ऑलवेज सपोर्ट में आते हैं अपने गवर्नमेंट में, और ऐसे ही होता हुआ है देखा है मेजॉरिटीली। लेकिन अभी आगे जाके अभी मार्केट का क्या रुख हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो मेजर इवेंट्स है वो सरपास कर लिए हैं, तो अभी मार्केट क्या देखेगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो मार्केट को एक ट्रिगर ऑफ कर सकते हैं? देखिए, दो तीन चीज हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि और 2-3 महीने के लिए मार्केट रेंज बाउंड होगी, क्योंकि इस क्वार्टर का अर्निंग्स का नंबर बाय एंड लार्ज ओके आया है, मगर याद रखिए कि पिछले ईयर के माफिक YoY क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑन प्रीवियस ईयर क्वार्टर में देखें तो शायद आपको कमोडिटी की कुछ सपोर्ट मिल रही है। तो अब नेक्स्ट क्वार्टर की जो ये चलती क्वार्टर के रिजल्ट जो अप्रैल में आएंगे, उसमें क्या खास देखना है कि रूरल का डिमांड कैसे पिकअप हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स। क्योंकि समर में आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इनकी डिमांड समर सीजन सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या आउटलुक लग रहा है कंजम्पशन का इस अप्रैल में, जून में, वो मेरे लिए डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी की हालत और कंज्यूमर सेक्टर में कंपनियों की हालत कैसी होगी, वो एक बात है। सेकेंड, आप देख रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया, तेल का दाम में एक क्लैरिटी जरूरत है मार्केट के लिए, जो अब तक अभी भी नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल में एक तेल के बारे में क्लैरिटी आ जाए तो वो मार्केट के लिए अच्छी चीज होगी। तो ये अनसर्टेनिटी मैं अप्रैल में, जून में ही सेटल होते हुए देख रहा हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात है कि जो आज के फेड के पॉलिसी के बाद जो रेट हाइक का प्रोग्राम है, अब कोई फेड गवर्नर्स कह रहे हैं कि इस साल में रेट कट नहीं होगा, वेरस पहले उम्मीद थी कि भाई शायद दिसंबर के अंदर रेट कट का प्रोग्राम भी चल सकता है। तो उस हिसाब से वो अनसर्टेनिटी भी रिजोल्व होने की जरूरत है, क्या इस साल में हम यूएस में रेट कट की बात कर सकते हैं, ताकि फिर वापस पैसा एक जबरदस्त इमर्जिंग मार्केट की ओर आ सकता है। हमारे तरफ से, डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ से, मैं समझता हूँ कि आपको जो PMI डेटा अच्छा दिख रहा है, मगर फिर भी मेरे को IIP का डेटा उतना अच्छा नहीं दिखा। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के अंदर IIP कैसे आ रहा है नंबर्स, वो एक खास चीज है। तो ये सब मेरे लिए पहले 6 महीने में थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड लगता है टिल जून, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि
तेल की नमी और एक कंजम्पशन की डिमांड के रिवेल के पीछे आप अर्निंग्स बूस्ट और एफआई की रिटर्न भी देख सकते हो। सेकेंड हाफ में मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, यही मेरी सोच है। ओके, तो सेकेंड हाफ में हम देख सकते हैं कि एक एक अप मूव देख सकते हैं, अदरवाइज हम रेंज बाउंड कारोबार देखेंगे. लेकिन सुनील जी, जो ये इमिजिएट पीरियड है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक मार्केट फर्दर करेक्शन करेगा, कि करेक्शन फेज जो है वो कितने लेवल पे हो सकता है? और साथ में अगर अगर हमें निवेश करना है अभी, तो कौन से सेक्टर में अभी वैल्यूएशन वाइज हम देख रहे हैं कि हम अभी शुरुआत कर सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में? देखिए, जब तक ये अदानी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर एक कंसर्न है तो एफआईएस सोचेंगे बिफोर ब्रिंगिंग इन टू इंडिया। तो मेरे लिए उसमें थोड़ा क्लैरिटी अभी धीरे धीरे बन रहा है, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, मगर और 2-3 महीने रुकने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है वो भी लीगल काउंसिल को अपॉइंटमेंट रहे एनकाउंटर करने के लिए, फिर गवर्नमेंट भी एक उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रहा है। तो एक ओवरऑल ये फैक्टर, क्योंकि खाली वो ग्रुप के कंपनी के बारे में नहीं है बट जिन्होंने उनको लैंड किया है, रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर भी असर दिख रहा है। तो ये वॉलिटिलिटी उसी के कारण है और उसके लिए भी 2-3 महीने मेरे ख्याल में लगेंगे सेटल डाउन होने में। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि कौन से सेक्टर में वैल्यूएशन मेरे को अच्छे लग रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये अदानी क्राइसिस के कारण मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जो करेक्शन हुआ है, तो अब जो वैल्यूएशन उसके पहले बहुत बढ़ रहे थे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसमें थोड़ी कटौती आई है। तो अब मेरे लिए बैंकिंग बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, बिकॉज ग्रोथ तो अश्योर्ड है बैंकिंग सेक्टर का, बिकॉज कॉर्पोरेट लेंडिंग भी आके रिटेल लेंडिंग के साथ हाथ दे रही है। तो क्रेडिट रिवाइवल दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है अभी, और कैपिटल की कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बैंक के लिए, ज्यादातर गुड बैंक के लिए। तो मेरे लिए बैंकिंग का जो रिसेंट करेक्शन है उसके कारण अभी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल बन गई है, उसके पहले थोड़ा ओवर डिस्काउंट हो गया था इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियम दैट वाज बीइंग गिवन टू दिस वन। सेकेंड, मैं कहूंगा कि ऑटो एज अ सेक्टर, राइट, उसमें आप देखें ऑटो कंपोनेंट्स में शायद थोड़ी नमी हो सकती है, मगर ओवरऑल मैं इंडिया में ऑटो का एक रिवाइवल देख रहा हूँ। तो एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट है, उसमें मैं एक अच्छी रिकवरी देख रहा हूँ। तो मेरे लिए जो मार्केट अभी तक जो डिस्काउंट कर रही है वैल्यूएशन, वो फुल्ली अपना जो वी शेप रिकवरी का इम्पैक्ट है उसको अभी जो उसने कैप्चर नहीं किया, तो मेरे को ऑटो भी एक रीजनेबली प्राइस दिख रहा है। इंफ्रा की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इंफ्रा में वैल्यूएशन थोड़े बढ़ गए, क्योंकि सब लोग कैपेक्स कैपेक्स बजट पे भी कैपेक्स से बात हुआ था, ओवरऑल पीएलआई की भी कैपेक्स की बात, प्राइवेट सेक्टर की रिवाइवल की बात, तो थोड़ा वैल्यूएशन उधर बढ़ गए इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस रिकवरी। अब मार्केट में थोड़ा उधर ब्रेथ लेगी कि एक्चुअली ये ऑर्डर बुक आ रहे हैं कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर बुक का कन्वर्शन कैसे हो रहा है, ये सब देखने के लिए मेरे को और 3-4 महीने के लिए इस इंफ्रा स्पेस को जज करना पड़ेगा। ओवरऑल एक मीडियम टर्म तौर से 3 to 5 years से इट्स अ बाई, मगर शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यूएशन थोड़े अर्निंग से आगे बढ़ गई है। तो फ्रॉम अ प्योर वैल्यूएशन परस्पेक्टिव मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा और देखूंगा कि कैसे पैन आउट होता है ये फुल इन्वेस्टमेंट का साइकिल। उसके अलावा जो डिफेंसिव सेक्टर्स है जैसी आईटी सेक्टर, राइट, उसमें बहुत सारे करेक्शन हुए हैं और वाइल उसमें ग्रोथ उतना वापसी शायद नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल होगा, मगर एक सेफ्टी के तौर पर भी जो डिमांड था वो भी गिर गया था, तो वैल्यूएशन बहुत करेक्ट हुए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आईटी एज अ सिम्पल, एफआईएस की वापसी की बात करें तो फर्स्ट थिंग अब जब वो इंडिया में आते हैं तो वो आईटी खरीदते हैं, बिकॉज उनको वो इनकम जो आईटी सेक्टर है उनके बारे में जानकारी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अल्टीमेट एंड कंज्यूमर ऑफ आईटी सब मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, तो उनको एक आइडिया मिलता है कि इनकी डिमांड कैसी रहेगी। तो आईटी एज अ मेरे के लिए बॉटम फॉर्म हुआ है, शायद शायद स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं होगा, फिर भी एक मैं कहूंगा कि एक्यूमुलेट ऑन डिक्लाइंस एंड एज अ सेफ्टी कंपोनेंट आपके पोर्टफोलियो में आईटी रख सकते हैं। फार्मा में मेरे लिए थोड़ा बहुत अभी भी जो वर्ल्ड अगर स्लो डाउन और रिसेशन में जा रहा है तो फार्मा का डिमांड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिमांड थोड़ा नमी रख सकती है उसमें, तो मैं फार्मा में वेट एंड वॉच, और एक कंपनी स्पेसिफिक कहीं डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा डायग्नोस्टिक्स उसको अलग देखूंगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा जेनेरिक्स को अलग देखूंगा, तो वो होगी मेरी फार्मा पे ऊपर राय। उसके अलावा मेटल्स की
देखें तो ये ग्लोबल सिक्लिकल्स है, और ग्लोबल सिक्लिकल्स में मेटल के दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होते हैं, तो वर्ल्ड की जो ग्रोथ की स्लोडाउन है उसके कारण मेटल्स में थोड़ी नमी आ सकती है। तो मेरे लिए यूजर्स जो मेटल को यूज करते हैं एज इनपुट उनके लिए बेहतर होगा, मगर एज अ मेटल प्रोड्यूसर मैं समझूंगा कि वर्ल्ड की स्लोडाउन का असर थोड़ा बहुत उसके दाम के ऊपर दिखेगा। भले ही आपको स्टील का डिमांड डोमेस्टिक कैपेक्स के कारण स्टील का डिमांड बढ़ेगा, फिर भी मैं प्राइसेस पे ऊपर थोड़ा दबाव देख रहा हूँ, तो मेटल में थोड़ा कॉशियस रहूंगा। ओके, तो एक ओवरऑल आपने व्यू दे दिया है कि कौन से सेक्टर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। साथ में अगर हम देखें तो मार्केट की अगर बात करें तो लिक्विडिटी पर से देखें, अभी हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी लिक्विडिटी है और ओवरऑल मार्केट में भी लिक्विडिटी है, लेकिन हमने देखा है कि एक डेटा आया है कि जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अब तक 9,600 करोड़ पुल आउट कर दिए है। और जैसे आपने कहा कि प्रेफर्ड और भी एशियन मार्केट्स है, वहाँ ये पैसा FIIs भी का भी जा रहा है, फिर वो कोरिया हो, ताइवान हो, चाइना, ऑफ कोर्स अभी अपकमिंग मार्केट बन रहा है क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन के हिसाब से अभी वो बहुत बेहतर है। क्या हमें वो वापसी आप देख रहे हैं और कब तक वो हमारे इंडियन मार्केट्स में आ सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी स्ट्रांग है अगर फंडामेंटली देखे, पॉलिटिकली देखे, तो भी वो हिसाब से ऑफ कोर्स हम थोड़े महंगे हैं, लेकिन हम इतने रिटर्न्स भी दे रहे हैं, तो क्या जो FIIs को क्या अट्रैक्ट करेगा इंडियन मार्केट्स के में एंटर करने के लिए? तो पहली बात है कि मैं मानता हूं कि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स या वर्ल्ड मार्केट्स के हिसाब से अगर कंपेयर करें हमारी देश बहुत प्रीमियम में ट्रेड कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर याद रखिए कि 2005 के बाद से आज तक करीबन 18 साल इंडियन मार्केट ऑलवेज प्रीमियम में ट्रेड कर रही है, एक्सेप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड क्राइसिस, उस टाइम में जो करेक्शन हुआ उसको निकाल देंगे तो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स एक ऑलवेज प्रीमियम में ही ट्रेड आते हुए हैं कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट, दैट्स नंबर वन। तो ये जो हाल में जो वैल्यूएशंस की थोड़ी और बढ़प हुई है उसके कारण FIIs डर गए, ये नहीं मानता हूँ, कुछ अदर फैक्टर्स है नंबर वन। नंबर टू फैक्टर देखिए, आपने वैल्यूएशन की बात करी, एक होता है कंपैरिजन विद इमर्जिंग एंड विद वर्ल्ड, दूसरा होता है हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ हमारी कंपैरिजन। तो मेरे ख्याल में हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे 1 ईयर फॉरवर्ड पी अभी भी हमारे मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, वेर एज अराउंड 18.5-19 पी, वेर एज आपको देखिए तो एक अक्टूबर लास्ट ईयर में 2021 में आपको मार्केट 23 पी पे ट्रेड कर रही थी, और तो दिसंबर 2017 में, जैन 2018 में देखिए तो मार्केट 25 पी पे ट्रेड कर, तो मार्केट के लिए बहुत जरूरी है और अपने लॉन्ग टर्म हिसाब से वैल्यूएशंस को एक्सपैंड करने के लिए, तो मैं अपने हिसाब से ये ओवर वैल्यू नहीं कहूंगा। तीसरी बात है कि आप बाकी इमर्जिंग मार्केट थोड़े बीटन डाउन हैं क्योंकि वहां पे ग्रोथ का बहुत एक डाउन टर्न दिखा था, तो ग्रोथ की जो प्रीमियम मिलनी चाहिए क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड है, वो हमारा हक है कि हम एक प्रीमियम मिले हमारी मार्केट को। और एक FII जब पोर्टफोलियो में देखता है, खाली एक देश में अपना पूरा पैसा नहीं डालता है ना, वो एक पोर्टफोलियो बिल्ड करता है, तो कुछ हाई ग्रोथ हाई पी स्टॉक्स भी होंगे और कुछ लो ग्रोथ या सिक्लिकल कंट्रीज भी होंगे, क्योंकि उनके लिए इंडिया एक स्टॉक है, देश भले ही बट FII के पोर्टफोलियो में इंडिया एक स्टॉक है। तो उस हिसाब से हमारी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ की आउटलुक है उसमें जो स्टेबिलिटी दिख रही है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक ग्रोथ फैक्टर्स सपोर्टिंग लाइक कैपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं समझता हूँ वो विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर दैट ग्रोथ उस स्टेशन में। तो फाइनली फिर इन्होंने, आपने 9,000 करोड़ की बात की, अगर क्वार्टर टू देखे तो 35,000 करोड़ का पुल आउट है। क्यों? क्योंकि इसमें दिसंबर में जो शुरू हुई थी ये पेमेंट, तो एक तो दिसंबर में वो नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बिकॉज ऑफ द ईयर एंड बोनसेस टू बी पेड, हेज फंड्स ये सब निकलते हैं, बट जनवरी से ही आपको ये जो हादसा हुआ है अदानी के बारे में जो रिपोर्ट आई उसके बाद जो चर्चा, उसके कारण थोड़ी डरावट, तो वो डरावट जानी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि इसके कारण इंडियन इकोनॉमी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल एक जो कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट, तो एक कंपनी को कुछ हो गया तो पूरे मार्केट को कुछ हुआ, ऐसी एक डर थी तो उसके कारण थोड़ा पुल आउट हुआ। सेकंड चीज ये भी है कि तेल का दाम, वापस मैं आता हूँ कि FIIs की जो बात होती है, आप देखिए अभी मार्च 2020 जब कोविड की करेक्शन हुई थी उसके बाद आपको सितंबर 2021 यानी करीबन 18 महीने के लिए आपको तेल का दाम लोड पे था, उसमें करीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा
3 लाख करोड़ पैसा एफआईएस डाला, क्योंकि तेल का दाम जब गिरती है एफआईएस को इंडिया बहुत पसंद आती है और बाकी इमर्जिंग मार्केट से वो पैसा हटाकर हमारे मार्केट में निवेश करते हैं। एट द सेम टाइम अक्टूबर लास्ट ईयर में 2021 में जब करेक्शन हुई, ऑयल की दाम बढ़ने लगी फ्रॉम 60 एवरेज डॉलर्स टू 125, तो एफआईएस ने जस्ट 9 महीने में करीबन 2.5 लाख करोड़ निकाल दिया था। तो 2.8 लाख करोड़ इधर आया, 2.5 लाख करोड़ बाहर गया। तो ये बहुत सेंसिटिव है टू ऑयल प्राइसेस। अभी वापस जब आपको अक्टूबर में रेट हाइक किया, अभी जुलाई में फेड ने, और उसके कारण ऑयल में नमी आ गई तो 125 से 80 गिरा, तो मैं समझता हूं करीबन 90,000 करोड़ एफआईएस का पैसा वापस आया। फिर वापस जो ऑयल का दाम उधर ही टिक के रहा है 80-85 में, उसके नीचे नहीं गिर रहा है, उसके दो कारण है। अमेरिका के प्राइस कैप जिसके कारण रशिया को स्टॉप करना पड़ा प्रोडक्ट सप्लाई टू दी यूरोपियन नेशंस, और यूरोपियन नेशंस को जाके ओपेक से खरीदना पड़ा तो दाम गिर नहीं पाई। और सेकेंड बात मैंने ऑलरेडी कहा है, ये विंटर का टाइम है तो उसके कारण ऑयल 80-85 लेवल से नीचे नहीं गिर रही है। मगर जैसे ही समर आ जाएगा और जैसे ही ये वाली बात आएगी कि डिमांड ऑयल का घट रहा है, तो तेल का दाम जब गिरने लगेगा तो बाकी जो पैसा है 2.1.9 लाख करोड़ का पैसा जो हमारे मार्केट में फ्रॉम मार्च 2020 टू सेप्टेम्बर 2021 था निवेश इधर, उसकी वापसी आके आपको मार्केट को बढ़त देगी, तो वो वापसी ऑयल रिलेटेड होगी क्योंकि ये हेज फंड्स का मामला है जो बेट करते हैं। तो नेचुरली चाइना का कंपटीशन होगा बिकॉज चाइना मार्केट भी ओवर करेक्ट हुआ है और उसके कारण थोड़ा बहुत इलेक्शन चाइना को जाएगा, बट कुल मिला के इंडियन मार्केट में एफआईएस का एक्सपोजर $600 बिलियन है। आज G4 कंट्रीज में आप देखिए तो $28 ट्रिलियन का लिक्विडिटी फ्लोट हो रहा है। तो इंडिया का शेयर इज जस्ट अबाउट 2%, तो इतना नहीं है कि वो इंडिया से हटा के ही चाइना में निवेश करने की जरूरत है या ब्राजील में निवेश करके, ऐसी बात नहीं है। जस्ट ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन में बदलाव आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इंडिया को अपना शेयर, ऑलरेडी हम एमएसआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 15% शेयर होल्डर है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली आपको तेल का दाम अगर ट्रैक करेंगे और ये अदानी के हादसे में जो वॉलिटिलिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, अगर वो स्टेबलाइज आ जाएगी तो एफआईएस जरूर वापस आ जाएंगे।